हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने के लिए आया हूं, जिसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप 707 करोड़ का है आज के डेट के हिसाब से, करेंट प्राइस 4.91 रुपया, 52 वीक का हाई लो 7.05 रुपये और 2.66 रुपये, बुक वैल्यू 2.31 रुपये, डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है अभी ये कंपनी, आर ओ सी -6.65% है, आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी -5.93% है, फेस वैल्यू 1 रुपया का है। और इसका इंटरप्राइजेज वैल्यू 728 करोड़ का है, प्राइस टू सेल 1.46 का है। वन ईयर का अगर चार्ट देखते हैं तो ये अभी का कुछ दिनों से ये डाउन की तरफ है, थोड़ा अप होती है फिर डाउन, थोड़ा अप फिर डाउन, और क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाली है, इसलिए चार्ट का अंदाज़ा लगा पाना आसान नहीं है। प्रोज इसमें 4 हैं और कॉन्स 3। प्रोज कंपनी डेब्ट फ्री, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है, और डेब्टर डेज जो है इम्प्रूव हुआ 176 दिन से 130 दिन तक, और कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड 178 दिन से 101 दिन, और कॉन्स जो है लो इंटरेस्टेड कवरेज रेशियो है इसका, और प्रमोटर होल्डिंग 11.40% है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट थ्री ईयर्स -43.9% है। पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो इस तरीके से 109 कंपनी है विकास लाइफ केयर के कंपैरिजन में, और क्वार्टरली रिजल्ट जून 2023 में सेल्स डाउन हुआ है इसका पिछले क्वार्टर के अपेक्षा, एक्सपेंस भी डाउन हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ का है और अदर इनकम 12 करोड़ का, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का, ईपीएस 8 पैसा। लास्ट 12 मंथ का देखते हैं तो ये नेट प्रॉफिट जो है -6 करोड़ का, जिसके वजह से ईपीएस आया -5 पैसा। बैलेंस शीट देखते हैं तो इसके पास में रिजर्व 187 करोड़ का है, ये प्लस पॉइंट है, और ब्रोइंग 30 करोड़ का है, इसका मतलब कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है ये माना जाएगा। टोटल एसेट 454 करोड़ का, एसेट की भी साल दर साल बढ़ती ही क्रम में संख्या है, और कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो देखेंगे तो ये मार्च 2022 में 8 करोड़ का और मार्च 2023 में 2 करोड़ का, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, प्लस माइनस में 1 करोड़ आगे पीछे हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर के पास में 11.40%, जैसा कि ऊपर मैं बता चुका हूँ, एफआईएच के पास में नाम मात्र का है 0.02%, गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है और पब्लिक के पास में भर भर के है 88.59%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 451,287 है, इस बार हो सकता है कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़े मेरे आइडिया अनुसार, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेका अनुसार, मेरा कोई सजेशन नहीं है बाई और सेल का। जैसा कि डिलीवरी पोजिशन 11 अक्टूबर 2023 का ट्रेडेड क्वान्टिटी है 2,49,921, इतना शेयर ट्रेडेड हुआ है, और डिलीवरी क्वांटिटी है 93,16,021, इतना ट्रेड को फ्यूचर के लिए उठा लिया गया है, और परसेंटेज है 37.41%। ठीक है, वेबसाइट पर देखते हैं तो इसका प्राइस बता रहा है 4.91 रुपया, यानी कि प्लस में 2 पैसा ही बता रहा है,
आज के डेट में, जैसा कि आपको 52 भी कहा ही लो पहले ही बता चुका हूँ। प्रीवियस क्लोजिंग 4.89 रुपये पे हुआ था, आज ओपन हुआ था 4.93 रुपये पे, हाई लगाया था 5.03 रुपये, लो 4.88 रुपये। विकास लाइफ केयर लिमिटेड में दो न्यूज़ है 11/10/2023 का, जो कि आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रिगार्डिंग 74(5) ऑफ सेबी डीपी रेगुलेशन 2018, और दूसरा है बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन और मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 17/17/2023, यानी कि 17 तारीख को होगा। जैसा कि बीएससी के नेटवर्क पर दिख रहा होगा, आज का डेट 11/10/2023 16:00 बजे, और क्वांटिटी ट्रेडेड 44,65,966, और डिलीवरी में 18,80,147, और डिलीवरी परसेंटेज है 42.10%। 17/10/2023 को आयोजित होने वाली बैठक के लिए बोर्ड बैठक की सूचना है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने बीएससी को सूचित किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक अन्य बातों के साथ साथ कंपनी के स्टैंड अलोन और समेकित आलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और अनुमोदन करने और रिकॉर्ड पर लेने के लिए 17/10/2023 को निर्धारित है। 30/17/2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए सीमित समीक्षा रिपोर्ट द्वितीय अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार करना। एक और इसमें दूसरा न्यूज है, रेक के तहत अनुपालन प्रमाण पत्र सेवी डीपी विनियम 2018 के 74(5) एक्सचेंज प्राप्त समय, एक्सचेंज को कब प्राप्त हुआ, तो 11/10/2023 को 16:41:40 पे एक्सचेंज प्रसारित समय 11/10/2023 को 16:41:41 पे लिया गया समय 1 सेकेंड का, और सेबी डीपी विनियम 2018 के नियम 74(5) के तहत प्रमाण पत्र। विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका दूसरा अपडेट न्यूज 11 अक्टूबर का, सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) और द ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018 फॉर द क्वार्टर इंडेड 30/30/2023, यानी कि ये जो क्वार्टर इंडेड हुआ है 30 सेप्टेम्बर को, उसी के बारे में सिक्योरिटीज डी मटेरियलाइज्ड एंड री मटेरियलाइज्ड, ये दोनों के बारे में, ये दोनों प्रतिभूति के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को, जहां पर ये विकास लाइफ केयर लिमिटेड लिस्टेड है, उस सभी को प्रस्तुत कर दिया है। तो ये है एक न्यूज जिसको रिकॉर्ड में लेने के लिए रिक्वेस्ट किया है। बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया है, और उसमें विकास लाइफ केयर के बारे में सब्जेक्ट है सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) ऑफ द सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस 2018 फॉर द क्वार्टर इंडेड 30 सितंबर 2023, ये रेफरेंस नंबर है। और इसमें जो बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि शेयर धारकों के द्वारा कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, किसके संबंध में, तो डी मटेरियलाइजेशन के संबंध में। बस यही प्रमाण पत्र है।